साल 1994 में सलमान खान की जो आंधी आई उसको देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सलमान ने अपनी एक फिल्म से बॉलीवुड की 5 फिल्मों के फ्यूज को उड़ा दिया था और इन फिल्मों में अक्षय कुमार से लेकर नाना पाटेकर की फिल्में शामिल थीं, जो इसी साल में रिलीज हुई, मगर सलमान की फिल्म ने बम्पर कमाई कर डाली, जिस तक पहुँचना इन फिल्मों के लिए मुश्किल सा हो गया। और आज की इस खबर में हम आपको अपडेट करेंगे इन्हीं फिल्मों के बारे में, और इस लिस्ट में जो पहली फिल्म है वो है हम आपके हैं कौन। जी हाँ, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म साल 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म को सूरज बड़जातिया ने लिखा था और डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। मोहरा। साल 1994 की एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा आई, जो राजीव राय के जरिए डायरेक्टेड थी। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन लीड रोल में थे। इनके अलावा नसीरुद्दीन शाह, राजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। ये फिल्म साल 1994 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 15.81 करोड़ रुपए की कमाई की थी। क्रांतिवीर। नाना पाटेकर की यह फिल्म क्रांतिवीर साल 1994 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 12.85 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में नाना पाटेकर, डिंपल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, मगर ये फिल्म सलमान की फिल्म को टक्कर देने में फेल हो गई। राजा बाबू। गोविंदा स्टारर ये फिल्म राजा बाबू डेविड धवन की डायरेक्टर 1994 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी, जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। ये एक मेलोड्रामा कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 12.27 करोड़ रुपए कमाए थे। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अक्षय कुमार स्टारर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी को समीर मलकान ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म साल 1994 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसने अक्षय कुमार के अलावा सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी और रागेश्वरी मेन लीड में थे। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 11.64 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में इन चार फिल्मों ने मिलकर भी सलमान की फिल्म की कलेक्शन के आसपास भी नहीं भटक पाई और सलमान उस साल के बॉक्स ऑफिस के राजा बन गए थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।